तमाम मौजज़ीन से अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को अब अंदाज़ा हो गया होगा, काफ़ी टाइम हो चुका है इस मीटिंग को। आज की जो मीटिंग है वो ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी, अपना कराची और MQM पाकिस्तान के जिम्मेदारान के तवज्जो से अरेंज की गई। इस मीटिंग का मकसद यही था कि डायरेक्ट MC साहब और डायरेक्टर जितने भी इदारों के मौजूद हैं उनसे बराए रास्त अवामी मसाइल पर बात की जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो बहुत की कि अच्छे माहौल में, और अच्छे माहौल में हुई। असल में MC साहब से मैं मुखातिब हूँ, कोविड से अभी लोग निकले हैं, 2 साल बर्बाद रहे लोगों के, बेरोज़गारी है, कारोबार का मसला है, अब अपना जिनका कारोबार है वो भी नहीं चलता, नौकरियों के लाले हैं, फिर घर से निकलते हैं तो सैवरेज का पानी दिखता है, घर में बातें सुन के निकलते हैं मीठा पानी नहीं होता, मतलब बड़े मसाइल हैं। तो सर गुस्सा तो है, मैं अवामी नुमाइंदा था बाखुदा, मैं बड़ा बर्दाश्त करता था और हम भी बहुत बातें सुनते थे, हमारे पास भी इख्तियार नहीं होते थे, वसाइल नहीं होते थे, आपके पास भी नहीं है, मुझे पता चला है कि MC साहब के डोमेन में वाटर बोर्ड नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, MC साहब जिस तरह अपना कराची और ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी और MQM पाकिस्तान ने ये ब्रिज का किरदार अदा करके आज की महफिल सजा ली, इसी तरह MC साहब एक ब्रिज का किरदार अदा करें? भाई सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है ना MC साहब, अब ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब और कराची जो मुर्तजा वहाब साहब है शायद, उनसे बात करें और पीपल्स पार्टी के अहदेदारान से बात करके एक ब्रिज का किरदार अदा करें आवाम का इन लोगों के दरमियान, और इनका मसला हल करें। देखें, मैं बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब इलाकों के अंदर झाड़ू देने वाले लोग नहीं होते, हम इंस्पेक्टर पे लानतान करते हैं, हम डायरेक्टर पे लानतान कर रहे होते हैं, पार्क के लिए मट्टी, मतलब छोटी छोटी सहूलियात नहीं होती, हम डायरेक्टर पार्क यहाँ बैठे हैं, मैं क्योंकि सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को आपने अरेंज कराना पड़ेगा, या स्टाफ का इजाफा करना पड़ेगा हर UC में। सैवरेज की जहाँ तक बात है, हर UC में 2-3 दिन कुंडी में आने, सर कैसे हल होगा मसला? मतलब एक गली में कोई 5 या 6 मेनहोल होते हैं और वो एक मेनहोल साफ करने जब 2 कुंडीमैन लगते हैं तो सारा सारा दिन लगता है उनका, तो पूरा इलाका कवर ही नहीं कर सकते, एटलीस्ट 10-15 लोग तो हो जो गटर साफ कर रहे हो प्रॉपर, ज़रूरी है कि गटर भरने लगे तो हम सफाई करें। भाई हम प्रॉपर एक ऐसा मैकेनिज्म बना लें कि पहले से हम रूटीन बना लें कि भाई आज ये गली की सफाई करनी है, कल उसकी करनी है, ताकि नौबत ही ना आए गटर भरने की। तो बहरहाल ठीक है, गुस्सा निकाल लिया।